भारत पाकिस्तान युद्ध के 54 वर्ष पूरे होने पर पूर्व कल्याण समिति ने बिलासपुर के युद्ध स्मारक पर राज्य स्तरीय वीर सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में पूर्व सैनिक निगम के प्रबंध निदेशक एवं कारगिल हीरो ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने युद्ध स्मारक पर इस युद्ध में शहीद हुए 130 सैनिकों को पुष्प चक्र अर्पित करके श्रद्धांजलि दी तथा 2 मिनट का मौन रखा। उसके उपरांत उन्होंने बताया कि वर्ष 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया था। इस युद्ध विजय के 54 वर्ष पूरे होने पर हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण समिति के बैनर तले पूर्व सैनिकों ने मनाया। इस समारोह में 67 आर्म्ड रेजिमेंट अमृतसर के जवानों ने भी शिरकत कर युद्ध शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि के पश्चात भाषा एवं संस्कृति विभाग भवन के हॉल में 1965 के इस युद्ध में शहीद हुए हिमाचल प्रदेश के वीर जवानों की विधवाओं अर्थात वीर नारियों को सम्मानित भी किया गया। तत्पश्चात भाषा एवं संस्कृति विभाग सभागार में आयोजित वीर नारी सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों को समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुबेदार प्रकाश चंद ने स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन व स्वागत किया। इस युद्ध में भारत के 3000 सैनिकों ने शहादत का जाम पिया था, जिनमें बिलासपुर जिला के 31 वीर सपूत सहित पूरे प्रदेश के 165 रणबांकुरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर सीमाओं की रक्षा की थी। किसान सभा और किसान संघर्ष समिति के बैनर तले सेब बागवानों ने शिमला जिला के नारकंडा में नेशनल हाईवे जाम किया। इससे पहले ठियोग के विधायक राकेश सिंघा और किसान सभा राज्य अध्यक्ष कुलदीप तंवर की अगुवाई में नारकंडा बाजार में रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि एपीएमसी और सेब आढ़तियों की सांठ गांठ से सेब बागवानों का शोषण हो रहा है। ठियोग के विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि सरकार और एपीएमसी बागवानों की समस्या हल करने में पूरी तरह विफल रही है। बागवानों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि एपीएमसी के कानूनों को लागू करने में सरकार गंभीर नहीं है, इससे सेब बागवानों से मंडियों में लूट हो रही है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नारकंडा प्रदेश में तीसरे नंबर पर है जहां से मार्केट फीस ज्यादा आती है। पिछले 3 सालों में 7 करोड़ मार्केट फीस के रूप में सरकार के खाते में जमा हुआ है। उन्होंने नारकंडा में मार्केट यार्ड बनाने की मांग आढ़तियों द्वारा बोली मूल्य के प्रति पेटी 50 रुपए की नाजायज कटौती करने का विरोध, छोटे सेब का मूल्य 40% आढ़तियों द्वारा कम करने, सेब बागवानों को सेब का पैसा 1 से 1.5 माह देने का विरोध किया। उन्होंने नारकंडा में सफाई व्यवस्था ठीक न होने का भी आरोप लगाया है। बागवानों ने नेशनल हाईवे को करीब 1.5 घंटे तक जाम किया और कहा कि भविष्य में उनकी मांग न मानी गई तो बड़ा आंदोलन होगा। ठियोग के विधायक राकेश सिंघा ने बताया कि सेब आढ़तियों की सांठगांठ से मंडियों में सेब के दाम गिर गए हैं। सेब के दाम गिरने के कारण आढ़ती आज सेब सस्ते में खरीद कर स्टोर कर रहा है, बाद में 2 गुने दाम में आढ़ती बेचेंगे। स्टोर सरकार ने निजी हाथों को दिया है, बागवान सेब स्टोर कर नहीं सकता। सरकार एपीएमसी के नियम लागू नहीं कर पा रही है, सरकार मार्केट यार्ड और सीए स्टोर की व्यापक व्यवस्था करे। बागवान लायक राम ने बताया कि आज नरकंडा में प्रदर्शन कर आवाज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है, आढ़ती बागवानों से लूट कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सेब बागवानों की समस्याएं दूर करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। आठ दिवसीय हिमाचल के सबसे बड़े गैर सरकारी मेले का समापन धूमधाम से हुआ। समापन समारोह में सोलन के विधायक कर्नल धनीराम चांडिल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मुख्य अतिथि ने ट्रैफिक इंचार्ज राकेश कुलेरिया को उत्कृष्ट सेवा के लिए सेवा सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कार्तिक शर्मा ने हिंदी पहाड़ी और पंजाबी गीतों की झड़ी लगाई और सभी दर्शकों की
खूब वाहवाही लूटी। अंतिम दिन सोलन का ऐतिहासिक ठोडो मैदान दर्शकों से खचाखच भरा दिखाई दिया। वहीं हिमाचल के उभरते हुए गायक तुषार वर्मा ने भी बेहतरीन प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। लोक गायक राजीव ने पहाड़ी नाट्यों से सभी को खूब झुमाया। इस मौके पर सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडल ने कहा कि संस्था बेहद ही सराहनीय कार्य कर रही है और हिमाचली कलाकारों को ज्यादा से ज्यादा मंच प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 17 वर्ष पहले संस्था ने इस उत्सव का आरंभ किया था, जो निरंतर संस्था द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसके चलते आज इस उत्सव की चर्चा समूचे हिमाचल में है और कलाकारों के लिए ये मंच वरदान साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के युवा को इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और संस्था को उनका लक्ष्य हासिल हो उसमें सहयोग करना चाहिए। करना अपने में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं जहां इनकी पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, इनको बधाई देता हूं, वहीं अपने जो वर्ग के बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूं कि वो इस प्रकार के कार्यक्रम में पूरा भरपूर सहयोग दें और उसमें खुद पार्टिसिपेट करें, ताकि वो नशे जैसी लत से दूर रहें और समाज में अच्छे नागरिक बनने का, यहाँ मैं समझता हूँ कि अच्छे हिमाचली बने, यही मेरा संदेश है।